हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज राजस्थान के उद्योग प्रसार पदाधिकारी के क्वेश्चन जो 22 जुलाई को हुई है उसका आंसर की डाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो इसे आंसर आप मिला सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसकी परियोजना का लागत 43,129 करोड़ रुपये है। तो क्या हो जाएगा, पहला का आंसर सी हो जाएगा। दूसरा, राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो 2007 से 2000, इसका क्या हो जाएगा आंसर, दो का ए हो जाएगा, 12 से 17 हो जाएगा, 2012 से 2017। तीसरा, निम्नलिखित में से किसे भूमि सुधार का रूप माना जाता है? तो तीसरा का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, भू जोत की सीमा का निर्धारण। उसके बाद देखते हैं, राजस्थान के बृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? तो चार का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता, ए हो जाएगा। पाँच, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत गांव के शिक्षित युवा अथवा सरकारी संगठन सेवाएं ग्रहण पर पशु हैं कार्यक्रम जो है वो क्या हो जाएगा, इसका पाँच का बी हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। राजस्थान के किस प्रदेश में अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? तो छः का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाड़मेर। निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित है? तो क्वेश्चन सात है, सात का हो जाएगा सी हो जाएगा, सहकारी ऋण सुविधाओं को बढ़ाना। उसके बाद आ जाइए आठ नंबर, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें निशुल्क नागरिक ईमेल सुविधा दी जाती है और इसका उपयोग करने वाला अपना ईमेल एड्रेस प्रादेशिक भाषाओं में हिंदी में बना सही, इसी सुविधा को क्या कहते हैं? तो आठ का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजमेल। नौ नंबर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा, वी नंबर हो जाएगा, बी क्या ऑप्शन है, यह प्रदेश शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है। उसके बाद निम्न में से किन शहरों को राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का वी हो जाएगा, जयपुर, उदयपुर, कोटा तथा अजमेर। लघु उद्योग की सहायता से के लिए राजस्थान लघु कॉरपोरेट लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1961 में। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया किस बैंक के द्वारा किया गया? तो सी हो जाएगा, एशियन विकास बैंक। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो क्या हो जाएगा, 13। 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1955। 14 का, राजस्थान में वर्ष 2017 में कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी? तो क्लियर नहीं है। तो उसके बाद 15 नंबर देखते हैं, राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 15 का सी हो जाएगा, तापीय ऊर्जा। 2017-18 में राजस्थान के स्थिर कीमतों में 2011 पर सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो 16 का हो जाएगा, वी हो जाएगा, 8,40,263 करोड़ रुपये, बी नंबर हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत 2016-17 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो डी हो जाएगा, 261 ग्राम। उसके बाद आते हैं 18वें क्वेश्चन पर, राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएं लागू हो चुकी हैं? तो 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 12 पंचवर्षीय और 3 वार्षिक योजनाएँ। राजस्थान में दिसंबर 2017 में कितने निजी साझेदारी द्वारा संचालित पूर्ण हो गई है? तो 19 का क्या हो जाएगा,
उन्नीस का भी क्लियर नहीं है, 19 का डी हो जाएगा, 840 होना चाहिए, 840 हो जाएगा। 2018-19 के राजस्थान बजट में की गई अनुसार उटनी के दूध प्रसंस्करण के प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जयपुर में। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 28% अंक प्राप्त किए तथा 6 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो पूर्णांक कितने होंगे, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर इसको बताया जाएगा, 36 हो गया और 28 इसको बाद में बताया जाएगा। श्रेणी 1, 8, 4, 27, 9 में अगला पद क्या आ जाएगा, तो इसका इसका हो जाएगा 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 23 में क्या है, कंपनी कौन सा अच्छा सेल्समैन है, कथन वन है, इस गर्मी में राम ने सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर इस वर्ष कंपनी ने सबसे ज़्यादा लाभ कमाया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 23 का, 23 का सी हो जाएगा। प्रश्न के उत्तर दोनों कथन 1 और 2 तथा अनिवार्य है। अब आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन, एक कथन के आगे 2 पूर्वानुमान 1 तथा 2 दिए गए हैं, कथन पर विचार करें तथा तय कीजिए कौन पूर्वानुमान सही है। सभी लोग को क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एकमात्र खेल क्रिकेट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 24 नंबर का है, तो 24 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, ना ही पूर्वानुमान 1 है ना ही 2 चिन्हित है, नीत है। 25 नंबर, एक बस कार की अपेक्षा 50% तीव्र है, तब उस दूरी को पूरा करने में बस कितना समय लगेगी, जिसे कार को पूरा करने में 1 घंटा 30 मिनट लगता है, तो 25 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा आंसर। अब 26 का देखते हैं, परिमेय 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा, तो वी हो जाएगा 0.1428। 26, 27 नंबर देखते हैं, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 12 वर्ष उपरांत उसकी आयु पुत्र की आयु के दुगनी होगी, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 36 वर्ष हो जाएगी, बी नंबर, 27 का बी हो जाएगा। 28, ए बी तथा सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिनों 12 दिनों तथा 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 दिन में। 2010 में छोटी छोटी कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए जो प्राप्त 19 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो 29 का बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 30, अरे P1 तथा P2 दो विषम अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि P1 P2, तो P1² क्या हो जाएगा, तो 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक सम संख्या है। 31 नंबर, 3 65 × 6 59 × 71 का गुणनफल इकाई अंक क्या हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या 7 तथा 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 9933। यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में, तो उनके वर्गों के 18, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 33 का बी हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 34 देखते हैं, दिए गए प्रश्न में दीर्घ ए तथा कारण आर के लिए नीचे विकल्पों सही विकल्पों का, ग्रेफाइट विद्युत धारा कुचालक ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दोनों कथन सही और ये वास्तविक व्याख्या, बेमेल छाटिए, तो इसका बाद में बताऊंगा। 36 नंबर देखते हैं, 2 31 को 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 36 का 37 नंबर देखते हैं, ये जो दिया हुआ इतना इतना, 48% अंग्रेजी, 50% हिंदी, 90% विज्ञान,
गणित सामाजिक ज्ञान, तो इसका क्या हो जाएगा 37 का वी हो जाएगा 5.59% 2 प्राकृत संख्याओं का योग व गुणनफल क्रमशः 12 एवं 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 12/35 हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुइयों की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, 2 दिनों से घंटे वाली सुई की नोक द्वारा चली गई दूरी तथा 3 दिनों में मिनट वाली सुई की नोक द्वारा चली दूरी क्या हो जाएगा 39 का, तो बनाया जाए बाद में इसको 40 नंबर। कौन सी विषय सर्वाधिक परिणाम को प्रतिशत को दर्शाता है जबकि सभी विद्यालयों को ध्यान में रखा गया है, तो 40 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा रसायन शास्त्र हो जाएगा 41। 1890 के दौर में बिजौलिया के जागीरदार कौन थे, तो 41 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा परमार। गिरीश समेल का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 42 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 1544। 1883 में निम्न किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो 43 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अजमेर। 44 का क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, तो चौहान की हुई है सी हो जाएगा नहीं हुई है तो सी चौहान की। गागरेन का किला निम्नलिखित किस जिले में स्थित है, तो 45 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा झालवाड़। चौतारा कामाच्या कौन सा लोकवाद परंपरा से संबंधित है, तो 46 का हो जाएगा ए हो जाएगा सुशीर बांध। कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी पंचायतों ठिकानों में से एक नहीं था, तो सी हो जाएगा मांडवा। मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, तो 48 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा स्वामी गोविंद गिरी। निम्न किस इतिहासकार ने राजपूतों को सतवत्व सिथियन जनजाति जाति है उसके वंशज माना, तो गोपीनाथ शर्मा। पंडित नीनूराम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल थे, तो अलवर के थे। निम्न कौन सा पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है, तो 51 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बाड़मेर। राजस्थान के किस संत सवितभामा अनुसरण की रचना की गई है, 52 का ए हो जाएगा रामदास जी। निम्नलिखित में राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर किले रंगों की सुंदर ज्योमितीय डिजाइन से सजाया गया, तो 53 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा कालीबंगा। 54 का क्या हो जाएगा ऋषभदेव के मंदिर राजस्थान किस स्थान में स्थित है, तो 54 का सी हो जाएगा रानकपुर। 55 1948 किस राज्य के शासक मत्स्य संघ का राजपुर मुख बनाया गया, तो 55 का सी हो जाएगा धौलपुर। 56 अंग्रेजों को से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है, तो सी हो जाएगा कोटा। घुड़ला नामक नृत्यशैली संबंध राजस्थान के किस शहर में, 57 का डी हो जाएगा उदयपुर। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ानवत को पद्मश्री उनके क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है, तो 58 का क्या हो जाएगा वी हो जाएगा साहित्यिक क्षेत्र में। 59 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा किस समाचार पत्रकार को विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया, तो राजस्थान केसरी। दयालदास की ख्यात राजस्थान के किस राज्य इतिहास में संकलित है, तो बीकानेर। 61 नंबर देखते हैं। मरु विकास भूमि के अंतर्गत नहीं है कौन सा कार्यक्रम नहीं है, तो 61 का डी हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा, 62 का ए हो जाएगा NH-71B। राजस्थान के क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 63 का ए हो जाएगा 10.45। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया जाता है, तो चंबल नदी हो जाएगा 64 का ए हो जाएगा। 65 राजस्थान कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, तो 65 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। 66 का क्या हो जाएगा राजस्थान राज्य में भारत के कुल पशुधन कितने प्रतिशत भागीदारी है, तो 66 का वी हो जाएगा 11.27%। निम्न कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, तो 67 का डी हो जाएगा लायलपुर। मालवा पठार किसका भाग है, तो 68 का क्या हो जाएगा वी हो जाएगा हाड़दत्ती पठार। दुर्गापुर केसर की एक प्रसिद्ध है, 69 का डी हो जाएगा तरबूज की। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो 25 हो जाएगा 70 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा राजस्थान मृदा अपरदन संबंधित नहीं है, तो 71 का क्या हो जाएगा वी हो जाएगा हिमानी क्रिया। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं, तो 72 का क्या हो जाएगा वी हो जाएगा रक्षित वन। 73 देखते हैं।
राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित है? तो 73 का बी हो जाएगा, 12 जिले। सैर चोटी की कितनी ऊंचाई है? तो सी हो जाएगा, 1597 मीटर। ईरसदा सिंचाई परियोजना कहाँ है? डी सवाई माधोपुर में है। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापमान अंतर कहाँ पाया जाता? श्रीगंगानगर में। गुरु शिखर पर्वत चोरीली किस मध्य भाग में है? तो 77 का ए हो जाएगा, दक्षिणी भाग में। 56 मैदान का संबंध किस एक नदी से है? तो 78 का सी हो जाएगा, माही। निम्नलिखित राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो 69 का क्या हो जाएगा, 79 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिरोही। निम्नलिखित से कौन सा राजस्थान जिला चीनी वायु प्रदूषण समस्या, जो श्रीगंगानगर, 80 का ये हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं, सेब को काटने पर थोड़ी देर भूरा हो जाता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो 81 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित से कौन से यौगिक को उत्पादन किया जा सकता है? सभी में किया जाता है, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। राजस्थान के कितने जिले ODF से शौच मुक्त किए गए? 83 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 27। कार्य निर्णायक रूप में कलेक्टर में निहित है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, पुलिस पर नियंत्रण और विदेशियों पर प्राप्त की जांच करना। मुख्यमंत्री वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो 85 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राज्य विधानसभा द्वारा। 86 का देखते हैं, वह नेत्र जिसके दूर वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने निकट दृष्टि दोष अधिक किसी परिपथ में विभांतर स्थिर रखते हुए कुल प्रतिरोध का मान आधा कर दिया, तो परिपथ में बढ़ने वाली धारा क्या हो जाएगी, 87 का डी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन उत्पाद नहीं है? 88 का सी हो जाएगा, ST कम्ल। एक पेटेंट वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है? तो 89 का ए हो जाएगा, 10 वर्षों के लिए। मानव में बाई गुणसूत्र स्थित जीन जो सेक्स निर्धारण के लिए प्रोटीन कोड करता है? तो 90 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, SRY जीन। 91 क्या हो जाएगा, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, 91 का डी हो जाएगा। 92 का राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? सामुदायिक निकाय है। 93 का संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो 93 का बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। 94 का क्या हो जाएगा, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने प्रथम न्यायाधीश कौन थे? 94 का बी हो जाएगा, कैलाश नाथ बाचू। 95 राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे? तो क्या हो जाएगा, 95 का ए हो जाएगा, श्री ID दुआ। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तहसील हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष संगठित कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। 98 का क्या हो जाएगा, राज्यपाल पद के नियुक्ति की योग्यताएं क्या है? 1 और 3 हो जाएगा, किसी लाभपदासी न हो या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। 99 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित राजस्थान के राज्यसभा विधायक नहीं है? तो डी हो जाएगा, श्री अर्जुन राम मेघवाल। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेयर। तो ये हो गए राजस्थान पीछे, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है गलत भी हो, तो उसको बाद में सुधार कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद आप लोगों।